अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत आफियत में रखे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। आज हम बनाएंगे भुना हुआ गोश्त, सूखा गोश्त, जिसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा घी, 2 चम्मच घी, 3 काट लिए हैं प्याज, बड़े प्याज थे, हल्का सा फ्राई हुआ प्याज, तो उसमें मैंने 2 किलो गोश्त डाल दिया। इसको हम इतना फ्राई करेंगे गोश्त को कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ही नमक, आप अपने टेस्ट से भी डाल सकते हैं नमक। इसको बीच में करेंगे मिक्स, नमक और हल्दी को मिक्स करेंगे। पीस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने ज़रा बड़े रखे हैं। 1 चम्मच डाला है मैंने लहसुन का पेस्ट, 1 ही चम्मच डाला है मैंने अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे गोश्त में, लहसुन अदरक के पेस्ट को। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी, उसको हल्की आंच पे रखेंगे जब तक ये गल ना जाए। हल्का सा पानी रह जाए तो इसमें डालेंगे हम 4 टमाटर, टमाटर प्यूरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डाला है गरम मसाला और 2 चम्मच डाल रही हूँ जो मैंने मिक्स मसाला बनाया था, आपको याद हो तो। इन मसालों को आपस में मिक्स करेंगे। अब इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे कि टमाटर गल जाएं। उसके बाद मैंने डाला है 1 कप दही का। दही को मिक्स करेंगे और कुछ टाइम तक इसको पकाएंगे हम कि ये अपना घी छोड़ दे। ना पकाएंगे इसको हम हल्की आंच पे। और देखिए हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार हो गया है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।